वहीं विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी में भी अश्विनी नवरात्रि जो कि 29 सितंबर से 8 अक्टूबर तक का बड़ी धूमधाम के साथ मनाए जाएंगे। इन नवरात्रों में मंदिर प्रांगण में और मंदिर रास्ते में ढोल नगाड़े बजाना और मंदिर में नारियल चलाने पर पूर्ण तरह से प्रतिबंध रहेगा। पहले नवरात्रि को रविवार के दिन झंडा पूजन कर ज्वाला माँ का पूजन कर और कन्या पूजन कर नवरात्रों का शुभारंभ हो गया। विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी मंदिर में अश्विनी नवरात्रे 29 सितंबर से 8 अक्टूबर तक बड़े ही धूमधाम के साथ मनाए जाएंगे। इन नवरात्रों में मंदिर मार्ग पर ढोल नगाड़े बजाना व मंदिर में नारियल लेकर जाना पूर्ण तरह से प्रतिबंधित है। पहले नवरात्रि को झंडा पूजन कर ज्वाला माँ के पूजन कर कन्या पूजन कर अश्विनी नवरात्रों का शुभारंभ किया गया। इन नवरात्रों में प्रशासन की तरफ से नारियल व ढोल नगाड़ों पर पूर्ण तरह प्रतिबंध रहेगा। ज्वालामुखी शहर को 7 सेक्टरों में बांटा गया है। इन नवरात्रों में लगभग 4 क्विंटल रंग बिरंगे फूलों व लाइटों से इसे सजाया गया है। इन नवरात्रों में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी प्रबंध किए गए हैं, जिससे श्रद्धालुओं को भी किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इन नवरात्रों का शुभारंभ ज्वालामुखी के SDM अंकुश शर्मा, DSP तिलकराज व मंदिर अधिकारी बिशन दास शर्मा ने झंडा पूजन व कन्या पूजन कर किया। SDM अंकुश शर्मा ने बताया कि ज्वालामुखी मंदिर में शरदीय नवरात्रों का शुभारंभ हो गया है और इन नवरात्रों में श्रद्धालुओं को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। इन नवरात्रों में श्रद्धालुओं को चाहे पीने के पानी की व्यवस्था हो, सफाई की व्यवस्था हो, पार्किंग की व्यवस्था हो, यातायात की व्यवस्था हो और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था के साथ साथ शौचालय और बिजली की व्यवस्था के सभी प्रबंध किए गए हैं। इन नवरात्रों में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर सभी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और अतिरिक्त पुलिस बल को भी बुलाया गया है। नवरात्रों का शुभारंभ झंडा रस्म से और कन्या पूजन से किया गया है। हम सब जो भी मंदिर ट्रस्ट की तरफ से काम कर रहे हैं या मेरे हमारे सहयोगी कर्मचारी अधिकारी हैं, हम सब यहाँ पे सेवा भाव से काम कर रहे हैं। श्रद्धालुओं से हम ये उम्मीद करते हैं कि वो श्रद्धा भाव से यहाँ पे आएंगे, सारी सारी व्यवस्था करने में हमारा सहयोग करेंगे, किसी को कोई दिक्कत आएगी तो हमारे से संपर्क करेंगे। बाकी मैं सबको नवरात्रों की शुभकामनाएं देता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ, मैया रानी से यही दुआ करूँगा कि जो भी सुख शांति है वो बनी रहे सबके लिए। मंदिर के पुजारी अवनेंद्र शर्मा ने बताया कि अश्विनी नवरात्रों के लिए झंडा पूजन व कन्या पूजन कर इसका शुभारंभ किया गया। इन नवरात्रों में श्रद्धालुओं की सुरक्षा का व्यवस्था पूरी तरह से चकाचौंध रहेगी। इन नवरात्रों के 9 दिनों में ज्वाला माँ के 9 रूपों का पूजन किया जाएगा। इन नवरात्रों में विशेष पूजन किया जाता है। पहले नवरात्रे में बाहर से आने वाले श्रद्धालु व स्थानीय लोग ज्योति को अपने घर भी ले जा रहे हैं। रविवार को नवरात्रि के पहले दिन हजारों की संख्या में लोगों की लाइनें दर्शन के लिए लगी थी और माँ ज्वाला के दर्शन कर उन्होंने आशीर्वाद भी प्राप्त किया। इन नवरात्रों में श्रद्धालुओं की सुविधा के सभी इंतजाम किए गए हैं। नवरात्रों में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पंजाब, हरियाणा, यूपी से भी आते हैं और माँ ज्वाला के आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जय माता की। आज शारदीय नवरात्रों के प्रथम दिवस के रूप में महामाई के मंदिर में पहले ध्वजारोहण होगा, उसके बाद घट स्थापना के साथ ही नवरात्रों का शुभारंभ होने जा रहा है। और आज मंदिर विशेष रूप में बड़ा अच्छा सजाया हुआ है और प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए बड़े अच्छे प्रबंध किए हुए हैं। यात्री पंक्तिबद्ध होकर महामाई के दर्शन कर रहे हैं और आज भीड़ भी अच्छी देखने को मिल रही है। और मैं सभी भक्तों से निवेदन करूंगा कि महामाई के मंदिर में आकर अपनी हाजिरी लगाएं और महामाई से मन वांछित पर प्राप्त करें। जय माता की। बोल सच्चे दरबार की नव दुर्गा सर। हाँ, प्रथम सार बुद्धि तृतीय ब्रह्मचारिणी तृतीय जन्म घंटे थी कुष्मांडे थी चतुर्थम पंचमस्कमाती सप्तम कात्यायनी थी सप्तम कारात्री महागौरी षष्ठम नवम सिद्धिदात्री दुर्गा देवी नमः। अर्थात 9 दिनों की 9 देवी के रूप में महामाई ज्वाला जी यहाँ स्थापित हैं और भक्तजन आज अपने घर में महामाई की ज्योति को ले जा रहे हैं और अपनी मनवांछित इच्छाओं को फल पूर्ण कर रहे हैं। मैं महामाई से प्रार्थना करूंगा कि भक्तों की झोली भरे और सबकी मुरादें पूरी करें। बोल सच्चे दरबार की।